आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे ग्रुपिंग करते हैं, तो पहला होता है इसका सीरीज़। अब देखिए सीरीज़ में क्या होता है। सीरीज़ में हमने पढ़ा था कोई भी रेजिस्टेंस होता है इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 या R3, और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सीरीज़ के अंदर सब जगह करंट जो होती है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज जो होता है, इसका वोल्टेज हो जाएगा V1, इसका V2 और इसका V3। तो यहाँ पे सीरीज़ के अंदर करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर जो भी ग्रुप होते हैं सीरीज़ में, वो इस तरह से होते हैं। देखिए यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से होता है। अब यहाँ पे जो करंट होती है, करंट में जो चार्ज होता है, वो इन तीनों के लिए सेम हो जाएगा, लेकिन उनका पोटेंशियल तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। एक को हमने बैटरी से जोड़ा और एक की क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल है यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। इसको V1, V2, V3 टोटल सम किसके बराबर है, V के बराबर है। तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कैपेसिटर होता है, जो C इज़ इक्वल टू Q/V, हम जैसे जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है, Q के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, इसको हम C बोल देंगे, तो Q इज़ इक्वल टू CV होता है, C की वैल्यू निकालेंगे तो Q/V आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे C इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज तीनों के लिए सेम है, ठीक है, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे C1 कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल V1, C2 के लिए V2 और C3 के लिए V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कैप देखो, यहाँ पे Q इज इक्वल टू CS हो गया, और पहले वाले के लिए V1 के लिए Q/C1, V2 के लिए Q/C2 और V3 के लिए Q/C3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों टर्म के अंदर क्यू कॉमन ले लेंगे, काट देंगे, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये CS क्यों लिखा है, कि वो सीरीज़ में कैपेसिटर है, ठीक है। अब स्पेशल केस ले लें, अगर हम मान लें कि n कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हो, 1/C1, 1/C2, 1/C3 इस तरह से n जुड़े हुए हो। अब यहाँ से अपन C अगर बाहर ले लें तो यहाँ पे 1+1+1 n बच जाएगा। अभी टोटल नंबर है जो n के बराबर है, तो 1/CS इज इक्वल टू n C n/C हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे, C इज इक्वल टू C/n। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम कैपेसिटर हो जाएगा आइडेंटिकल के लिए। आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे हम ऐसे करें कि C1 की वैल्यू 2 ले लें, C2 की वैल्यू 3 ले लें और C3 की वैल्यू 4 ले लें। इसको अगर हम पुट करते हैं, LCM लेते हैं, तो 12/13 आता है। इसको उल्टा करते हैं, CS की वैल्यू निकालते हैं, तो 12/13 आ गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अभी 0.9 जो होगा ना, ये मिनिमम कैपेसिटर से भी कम वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं कि यहाँ इस केस के अंदर मिनिमम कैपेसिटेंस हमें मिलता है। आगे हम देखते हैं पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर हम जानते हैं पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम होता है। हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्टेज की होती है, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस कनेक्टेड होते हैं वो अलग अलग करंट पे चलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगी, और यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ से बैटरी से आने वाली करंट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जो करंट आई थी, मतलब चार्ज क्यू था, वो आगे जाके इस वाले के लिए Q1, इस वाले के लिए Q2, इस वाले के लिए Q3 हो गया, ठीक है। पोटेंशियल भी है ही, तो टोटली चार्ज क्यू है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पे C इक्वल टू Q/V होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। अब इसको CPV कर देंगे, ठीक है। CP मतलब पैरेलली कैपेसिटेंस है, CPV इस वाले चार्ज के लिए जो है कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ V है। Q2 के लिए C2V हो जाएगा, Q3 के लिए C3V हो जाएगा, V से V कट जाएगा, CP = C1 + C2 + C3 हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल केस में अगर n कैपेसिटर आइडेंटिकली जुड़े हुए हैं, तो C1 C2 ऐसे लेके CN है। अब आइडेंटिकल का मतलब C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू हम C मान लें, कैपेसिटर मान लें, तो C+C+CN तक हो जाएगा। अब ये सभी, इन सभी को हम क्या करेंगे, एक सम अप करेंगे, तो CP = NC हो जाएगा। अब इसका, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअली हम बात करेंगे, तो इंडिविजुअली जो नेट कैपेसिटेंस जो होगा वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट होगा। अगर C1 की वैल्यू 2 ले लें, C2 की वैल्यू 3 ले लें, C3 की वैल्यू 4 ले लें, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगी। इस बड़े वाले से भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम रेशो बात करते हैं मैक्सिमम से मिनिमम कैपेसिटेंस की। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, NC, क्योंकि पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है, और सीरीज़ के अंदर मिनिमम होता है। इन दोनों का रेशियो लेंगे, C मैक्सिमम और C मिनिमम का,
तो एन सी अपॉन सी बाई एन हो जाएगा, सी से सी कैंसिल तो एन ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीज़ क्लियर होती है कि अगर सीरीज में कैपेसिटर है तो वो मिनिमम होगा और पैरेलल में है तो मैक्सिमम होगा, और इन दोनों का रेशियो एन स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।